हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो का आगाज़ हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे सक्सेस की सबसे ख़ास बात पता है क्या है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है इसलिए मेहनत करते रहिए सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी तो केवल दो दिन शेष बचे हैं एच पी सेक्टेट क्लर्क पोस्ट को नौ सौ बासठ के एग्जाम के लिए तो कैसी चली हुई आपकी तैयारी चलिए आज की वीडियो में हम क्विक रिविजन करते हैं वन थर्टी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो के अंत तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव चूज द करेक्टली स्पैट वर्ड करेक्टली स्पैट वर्ड हमने यहाँ पर चूज़ करने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में पूछा गया है एकोमोडेशन तोमोडेशन की जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी वाली ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन याद रखें कई बार ये वाली स्पेलिंग रिपीट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अनफॉरगेटेबल अनफॉरगेटेबल की जो राइट right स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी यू एन एफ ओ आर जी ई डबल टी ए बी एल ई अन ये वाली स्पेलिंग जो है वो सही है नेक्स्ट देखिए टूमोरो टूमोरो की जो राइट right स्पेलिंग है वो कौन सी है वो है ऑप्शन नंबर बी टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू ये वाली स्पेलिंग राइट right स्पेलिंग है आ, आगे देखिए ट्वेंटी फोर में मेनटेनेंस देखिए मेटेनेंस की जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है वो है ऑप्शन नंबर सी वाली ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये रिपीट होता है तो आप याद कर लें स्पेलिंग को अच्छी तरह से एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई ये है मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव डिफाइंस की यहाँ पर हमने राइट right स्पेलिंग जो है चूज करनी है डिफाइंस तो फ्रेंड्स डिफाइंस की जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर सी वाली डी ई एफ आई ए एन सी ई ये जो है डिफाइंस की राइट right स्पेलिंग है नेक्स्ट uh, पार्ट में देखिए ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग यहां पर देखिए वाले क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे गए हैं अपोजिट वर्ड हमने चूज करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सीले सिलेस्टील का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग होगा अर्थली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर का यहाँ पर एंटोनिम्स जो होगा अपोजिट वर्ड होगा फेमस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इम्पल्सिव आगे पूछा गया है तो इम्पल्सिव का जो एंटोनिम्स होगा अपोजिट वर्ड होगा वो होगा कोशिश ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आगे देखिए कैप्टिवेट कैप्टिवेट का यहाँ पर एंटोनिम्स होगा अपोजिट वर्ड होगा रिपल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट में पूछा गया है सिक्रेटिव सिक्रेटिव का यहाँ पर देखिए एंटोनिम्स क्या होगा उसका होगा कैंडिड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन टू थर्टी फाइव चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यहाँ पर हमने चूज करनी है क्वेश्चन थर्टी वन में पूछा गया है इंस्टीड ऑफ फायरिंग डैश द थीफ द पुलिस फायर डैश द मॉब तो यहाँ पर देखिए कौन सी प्रेपोजिशन वो सही भरी जाएगी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा एट और अपोन इंस्टिड ऑफ फायरिंग एट द थीफ द पुलिस फायर्ड अपोन द मॉब सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द पुलिस हैज बीन एक्यूज डैस कॉन्वेंस डैश द क्रिमिनल यहां पर कौन सी प्रेपोजिशन भरी जाएगी तो देखिए इसमें जो प्रेपोजिशन भरी जाएगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी ऑफ और बिद सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ही हैज़ अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश द पोस्ट ऑफ अ टीचर तो इसमें कौन सी प्रेपोजिशन भरी जाएगी ऑप्शन नंबर बी वाली यहाँ पर टू और फोर ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर अब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ही इज़ अ वेरी स्लो पर्सन बोथ डैश स्पीच एंड डैश हिज बिजनेस तो इसमें जो प्रपोजिशन भरी जाएगी वो होगी ऑफ और एट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ही इज वेरी स्लो पर्सन बोथ ऑफ स्पीच एंड एट हीज़ बिजनेस नेक्स्ट में पूछा गया है सी वाज डिस्कस्ड डैश द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज डैश द डेकोरेशन तो यहां पर जो सही प्रपोजिशन भरी जाएगी वो होगी विद और एट ऑप्शन नंबर डी सी वाज डिस्कस्ड विद द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज एट द डेकोरेशन नेक्स्ट पार्ट में देखिए थर्टी सिक्स टू फोर्टी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडी फ्रेज यहां पर ईडियम्स और फ्रेज दी गई हैं यहां पर हमने करेक्ट मीनिंग जो है वो चूज करना है टू सर्व आउट टू सर्व आउट का जो सही मीनिंग होगा वो होगा

देखिए अ वेरी फेमस पर्सन के लिए वन वर्ड क्या होगा वो होगा ल्यूमिनरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डेट विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल इसके लिए वन वर्ड क्या होगा तो इसके लिए वन वर्ड होगा इंटेस्टेट क्या होगा इंटेस्टेट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ इसके लिए वन वर्ड क्या होगा होगा बैगा uh, बॉन्ड इसके लिए वन वर्ड होगा बैगा बॉन्ड ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर क्स्ट क्वेश्चन अ वुमन यूज ने इसके लिए बनबड़ होगा वैम्प ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए एचपी जी के वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स हु वाज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे तो देखिए हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे पीसी राणा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और एन मेहता जो थे ये थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर जो थे वो थे एन मेहता एस चक्रवर्ती थे हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वाज सेटअप एट शिमला शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ था शिमला में ऑल इंडिया रेडियो स्थापित हुआ था 1955 1955 में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स पंजाब पुनर्गठन आयोग उन्नीस सौ छियासठ की अध्यक्षता किसने की थी देखिए पंजाब पुनर्गठन आयोग उन्नीस सौ छियासठ की अध्यक्षता की थी जे सी शाह ने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड वाघा वैली इज कार्ड चंद्रा और भागा घाटी में नव वर्ष का उत्सव क्या कहलाता है तो ये उत्सव कहलाता है हल्दा उत्सव ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जो कि लाहौल स्पीति की, की चंद्रा और भागा घाटी में ये मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विश टाउन ऑफ हिमाचल इज नोन एज छोटी काशी हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है आसान क्वेश्चन है छोटी काशी के रूप में जाना जाता है मंडी ऑप्शन नंबर डी इज इज द द द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्ट इन इन लोकेटेड टेरिटोरी ऑफ हत् फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी इज राइट आंसर हो क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है हत्ू फोर्ट जो है ये है शिमला कोटगढ़ में नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर सोलन एच पी एंड डिलीवर्ड अ स्पीच महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर सोलन हिमाचल का भ्रमण किया और भाषण दिया था तो महात्मा गांधी धर्मपुर या सोलन में आए थे 1939 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और वहां पर जाकर उन्होंने भाषण दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी देखिए अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी थी सुमन रावत ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ने पर पूछा गया है हु कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रूमाल के परिवर्तन में किस किसने गहन रुचि ली थी देखिए चंबा कक्षीदाकारी और रूमाल के परिवर्तन में गहन रुचि ली थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय नेक्स्ट क्वेश्चन द मशहूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज विल्ट इन विच सेंचुरी कांगड़ा का मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ है मशहूर मंदिर जिसे हिमाचल का एलोरा भी कहा जाता है तो ये बना हुआ है आठवीं शताब्दी में बना हुआ है मंदिर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हुआ द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया था मंडी का शिवरात्रि मेला प्रारंभ किया था अजबर सेन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्यंस केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम आर्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे तो ये हिमाचल में आए थे सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यू एस क्लब शिमला वॉज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ बिच ब्रिटिश रूलर यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवाज़ था यूएस क्लब शिमला ये मूल रूप से आवाज़ था ये सर जर्मिहा ब्राइंट का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एच पी विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर बोलते जयवंत राम ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेटी फिफ्टी सेवन रिवॉल्ट टू प्लेस जब अठारह की क्रांति हुई उस उसमें बुशहर राज्य का शासक कौन था तो उसमें बुशहर राज्य का शासक था शमशेर सिंह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंडर द भागल स्टेट भागल राज्य की स्थापना किसने की थी देखिए भागल राज्य की स्थापना की थी अजय देव ने यहाँ पर अजय डे नहीं होगा अजय देव होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर अजय देव ने और राजधानी जो थी भागल रियासत की राजे की वो थी अर्की और अंतिम शासक जो था इस रियासत का वो था राजेंद्र सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था सुंदरनगर शहर का पुराना नाम था वानेद यहाँ पर बारेद दिया है वारेद नहीं होगा वानेद होगा वानेद या बनेड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था जगत सिंह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉड दैम ट्रांसलेटेड इन टू पर्सियन किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का अधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया तो फिरोशा तुगलो जो थे कांगड़ा लाइब्रेरी से ये तेरह सौ पुस्तकें संस्कृत के लिए गए थे और उन्होंने इनका फारसी में अनुवाद करवाया था किससे करवाया था इजुद्दीन खालिद खानी से इन्होंने ये अनुवाद करवाया था आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता तो बिलासपुर जिला जो है इसकी सीमा कांगड़ा से नहीं लगती ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मारकंडा खड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी पी मारकंडा खड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है तो मारकंडा खड देखिए ये बहती है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाको लेक इज लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है नाको झील फ्रेंड्स ये बहती है यह स्थित है सॉरी किन्नौर में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो किन्नौर में स्थित है नाको झील अब झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि हर बार क्वेश्चन झीलों से संबंधित पूछे जाते हैं आप बताएंगे कि, कि मानतलाई झील जो है कौन से जिले में स्थित है मानतलाई झील और नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है तो सतलुज नदी शिमला जिले में प्रवेश करती है भड्डल नामक जगह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भड्डल नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वट नेम ग्लेशियर आर नोन इन द लोकल लैंग्वेज स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को कहते हैं शिगड़ी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर और सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगड़ी लाहौल स्पीति में नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है तो इनमें से देखिए मनाली शहर जो है ये शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मनाली नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी देखिए हिस्ट्री वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन था कौन सा है तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा है लोथल गुजरात में है ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोवर ऑफ महावीर आवाज महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम क्या था तो महावीर के अनुयायियों को जो मूल नाम दिया गया था वो था निर्ग्रंथ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट किंग नोन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इंपीरियर्स मौर्य इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था तो मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था बृहद ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन अर्ली इंडिया वाज प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन था प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था पाटलिपुत्र आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स केम टू बी यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरनर्स सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है तो विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला निम्न पद था पद है यवन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यवन नेक्स्ट क्वेश्चन नव नितकम डील्स विद नव नितकम संबंधी था तो नव नितकम यह संबंधी था चिकित्सा से मेडिसिन से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु द द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज लास्ट ग्रेट हिंदू ऑफ इंडिया निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है भारत का अंतिम महान हिंदू शासक यह माना जाता है हर्ष को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बिच वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश यह था गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो वाज बिल्ड बाय। खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया यशो वर्मा ने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं तो ये संबंधित हैं चिश्ती सिलसिले से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट वास शासक जो किसी नवीन वीजे के लिए नहीं गया था कौन था वो शासक जो नई वीजे के लिए नहीं गया था वो वाला शासक था फिरोशा तुगलक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वर द शिप्स बिल्ड फॉर ट्रेड व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते हैं तो व्यापार के लिए जहाज बनाए जाते थे मालदीप दीप आईलैंड में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बीच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था विजयनगर का प्रथम शासक वंश था संगम वंश ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्रस टॉम्ब इज आउटसाइड इंडिया निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है तो देखिए इनमें से जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत के बाहर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉन्गेस्ट ऑफ शिवाजी मिलिट्री कैंप कंडक्टेड अगेंस्ट शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था तो शिवाजी का सबसे लंबा जो सैन्य अभियान था ये चला था कर्नाटक के विरुद्ध ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन रूलर हु इंग्लिश इन द अर् स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक कौन था तो प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला जो शासक था वो था हैदर अली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बहादुर शाह किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था नाना साहिब ने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला जो प्रथम राष्ट्रवादी नेता था वो था डब्ल्यू सी बैनर्जी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी ऑफ गांधीजी फॉलोवर्स विलेक्टेड टू गो ऑन द मार्च टू डांडी गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे तो गांधी जी के साथ दांडी मा यात्रा में जो अनुयायी उनके साथ चले थे वो थे अठहत्तर अनुयायी उनके साथ चले थे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी तो वो वाला कांग्रेस का अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नागपुर अधिवेशन नेक्स्ट यहाँ पर जियोग्राफी सेक्शन देखिए ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट किसका एक रूप है तो ग्रेनाइट जो है ये इग्नि रॉक का रूप है अग्नि चट्टान का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस है तो इनमें से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द सेलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाइएस्ट एट समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है तो समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है ट्रॉपिक्स में उष्ण कटिबंधों में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द सोइल फाउंड इन द मार्शी एरिया आज नोन एज कच्ची क्षेत्रों में पाए जाने वाली मृदा इसे जानी जाती है तो इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है जानी जाती है बॉग सॉइल के नाम से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बॉग मृदा नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड निम्न में से कौन सा एक उषण कटिबंधी घास मैदान है तो सुबाना जो है एक ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर इज मोस्टली वाइड स्प्रेड इन द हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है तो हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है मेडिट्रेनियन रीजन भूमध्य सागरी क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है राइस चावल है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर की रानी तो हिमालय की रानी नदी निकलती है तो बराक नदी कहां से निकलती है यह निकलती है माउंट जैपो से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा माउंट जैपो नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोजेस ऑल द फोर फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी चार भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है तो वो वाला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है तो गुजरात जो है नमक के उत्पादन में अग्रणी है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज आल्सो नोन एज रणजीत सागर बांध निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध से भी जाना जाता है तो रणजीत सागर बांध ये जाना जाता है थियन बांध भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा थियन बांध को रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है और कौन सा बांध जो है वो महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से जाना जाता है प्लीज शेयर करें आप इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द कालाकोट कोल फील्ड इज सिटुएटेड इन कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो कालाकोट कोयला क्षेत्र जो अवस्थित ये स्थित है जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन एज एट मैरिज इज हाइएस्ट एमउ द विवाह की औसत आयु उच्चतम है तो विवाह की औसत आयु उच्चतम यानी कि सबसे अधिक है क्रिश्चियंस में ईसाइयों में सबसे ज्यादा होती है विवाह की औसत आयु ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट ऑक्युपाइज द टॉप पोजिशन इन द कंट्री इन मेल लिटरेसी किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया तो वो वाला राज्य है केरल राज्य ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन वोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कार्ड भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं तो बोटिया जनजाति में जो चरबाए हैं वो कहलाते हैं अंडवाल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड भी सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं तो ये संबंधित हैं चिपको मूवमेंट से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चिपको आंदोलन नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है चाइनीज चीनी भाषा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर भारत की इस देश को लौह एएसए की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है लौह ऐसे की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात भारत करता है जापान को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है तो भारत विश्व में uh, माइका के निर्यात में अग्रणी है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर को माइका और आंध्र प्रदेश जो स्टेट है भारत की उसमें सबसे ज़्यादा uh, माइका प्रोडक्शन की जाती है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसको जाता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय जाता है न्यूटन को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द फूड मेन ईट्स हैज मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है तो मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी स्थिति की ऊर्जा होती है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड ड्रॉप एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमिन ऑफ यहाँ देखिए साइंस सेक्शन शुरू हुआ तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं तो ये गोलाकार आकृति करते हैं सरफेस टेंशन के द्वारा द्वारा तनाव के question, shaving shaving, के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर मिरर इज एज अ शेविंग शेविंग हजामत दर्पण रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो शेविंग मिरर के लिए यूज किया जाता है कनके मिरतर लेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांजिस्टर आर मेड फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं तो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं सेमी से से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका बना होता, है, का. फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है सी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नोन एज भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है तो यह जाना जाता है ध्रुव से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ध्रुवा नेक्स्ट क्वेश्चन द यूज्ड पॉलीमर पॉलीथिलीन इज मेड फ्रॉम व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीथिलीन बनाए जाते हैं तो ये बनाए जाते हैं एथिलीन के ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा एथिलीन नेक्स्ट uh, क्वेश्चन देखिए रीफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर रीफामाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है तो रीफामाइसिन ये देखिए ट्यूब्रोक्रॉसिस के लिए ये औषधि यूज की जाती है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ट्यूब्रोक्रॉसिस क्षय रोग नेक्स्ट क्वेश्चन एल्कोहलिक बेवरेज बायस कंटेन मदिरा शराब में होता है तो मदिरा या शराब में अल्कोहल में क्या होता है इसमें होता है एथेनॉल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा एथेनॉल नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूमा इज अ जीन है एक तो फ्यूमा जो है वो है एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक दवाई है ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी यहाँ पर राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाई मलेरियाई परिजीवी संचरित होता है तो यह होता है एनाफ्रीज द्वारा किसके द्वारा एनाफ्रीज द्वारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट फल कौन सा है वो है चेस्ट नट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर पूछा गया है टेनिन इज यूज फॉर मेकिंग किसके निर्माण के लिए टेनिन प्रयोग किया जाता है तो टेनिन जो है प्रयोग किया जाता है इंक के निर्माण के स्याही बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ मक्खन इसका उत्तम स्रोत है तो मक्खन जो है देखिए विटामिन ए और विटामिन डी का उच्चतम स्रोत है तो दोनों आंसर यहाँ पर राइट होंगे विटामिन ए और विटामिन डी ए और सी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरन सिटीजन पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं पूछा गया है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो इसमें से विदेशी नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त नहीं है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है तो इनमें से देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द हाइएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है संघ सरकार का उच्चतम सिविल सर्वे आ, सेवक जो है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट सचिव होता है ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी मस्ट बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए एक माह के भीतर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा वन मंथ नेक्स्ट क्वेश्चन रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज इन भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है राज्यसभा ऑनली यानी कि केवल राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने का ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट ऑनली वन मेंबर ऑफ द लोकसभा निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है तो वो कौन सा राज्य है जो केवल राज्यसभा का केवल एक ही सदस्य चुनता है वाला राज्य है सिक्किम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बिल्स कैन बी ओनली इन लोकसभा विधेयक के निम्न में से किस वर्ग तो के को केवल मनी बिल को धन विधेयक ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जी, जी वो थी बो थी सरोजनी नायडू और भारत की जो पहली यू जो अध्यक्ष बनी थी महिला वो थी विजय लक्ष्मी पंडित नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है फाइव ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अविस्वीकृत प्रदान की जाती है किसके द्वारा की जाती है तो ये की जाती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाई अप्लाइंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा फाइनेंशियल इमरजेंसी ये इसकी घोषणा की जा सकती है आर्टिकल 360 के द्वारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 360 अनुच्छेद नेक्स्ट क्वेश्चन बिच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सर्टेड न्यू आर्टिकल ट्वेंटी राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद इक्कीस ए संविधान में अंत्य स्थापित किया कौन सा वो संविधान संशोधन था वो वो वाला संविधान संशोधन था एटी सिक्सथ अमेंडमेंट छियासीवा संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन

एस्टिमेट्स ऑफ प्रॉबर्टी इन इंडिया आर गिवन वाई द भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा दिया गया है भारत में गरीबी का आकलन दिया गया है नीति आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्मड बाय द भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं केंद्रीय बैंकिंग कार्यक्रम यह संपादित किए जाते हैं आर के द्वारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे देखिए स्टैग फेलेन स्फीति है तो स्टैग फ्लेशन क्या है स्टैग फ्लेशन जो है ये है इन विद डिप्रेशन यानी कि मंदी के साथ सफी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर मनी पॉलिसी इंप्लाइज महंगी मुद्रा नीति का अर्थ क्या है महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है हाई इंटरेस्ट रेट उच्च ब्याज दर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी दैट्स सेटल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है तो इसमें से देखिए बेज कोर्ट जो है ये औद्योगिक विवादों का निपटारा करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है बेज कोर्ट वेतन वेतन न्यायालय यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन वैन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1986 में उन्नीस में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भारत में सदाबाहर क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने दिया था तो सदाबहार क्रांति का आह्वान जो भारत में दिया था यह दिया था एम एस स्वामीनाथन ने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन नेक्स्ट क्वेश्चन बिज स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना कौन सा वो राज्य था तो वो वाला राज्य था राजस्थान ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट पार्ट देखिए हिंदी सेक्शन इनमें से मुहावरा कौन सा है देखिए चार यहां पर दिए गए हैं तो इनमें से अंगूठा दिखाना और अंगूठा चूसना ये दोनों ही मुहावरे हैं तो ए और सी यहाँ दोनों ही राइट आंसर होंगे आगे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है तो देखिए चार शब्द दिए गए हैं इसमें संज्ञा शब्द जो है वो है ईर्ष्यालु ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का सही शब्द क्या है तो जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसका सही शब्द है अबीस्ट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बाल्टी में, में दूध है में कौन सा कारक है तो बाल्टी में दूध है इसमें कारक है अधिकरण कारक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आई का प्रत्यय क्या है आई का प्रत्यय है लिखाई ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा आगे पूछा गया है द्विजेंद्र का संधि विषेद क्या है द्विजेंद्र तो द्विजेंद्र का संधि विषय है द्विज प्लस इंद्र ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट पूछा गया है ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है तो ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठोस्थ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वथा भिन्न शब्द देखिए चार शब्द दिए हैं इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है तो इनमें से जो भिन्न शब्द है वो है चुपचाप ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाल का उपसर्ग कौन सा है तो हाल का उपसर्ग है खुशहाल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आवाहन का विपरीतार्थक शब्द आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है विसर्जन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक अभी हमने देखिए एच पी एस एस सी सेक्रेट क्लर्क का प्रीवियस पेपर जो था उसके हमने वन हंड्रेड थर्टी क्वेश्चन क्विक रिवीजन के रूप में हमने डिस्कस कर लिया आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली